आज हम लोग काइनेमेटिक्स का अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है जनवरी 2019 में 9th जनवरी को पूछा गया था, 9th जनवरी को जो टेस्ट हुआ था मेंस का उसमें पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन कार रेस ऑन अ स्ट्रेट पाथ कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी एट द फिनिश एंड पासेज फिनिशिंग पॉइंट विथ स्पीड वी मोर देन दैट ऑफ कार बी। ठीक, बोथ द कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए वन एंड ए टू रेस्पेक्टिवली, देन वी हैव टू फाइंड द वी, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है मैं उसको एक बार यहाँ पे समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया कि कार रेस हो रहा है, तो कार रेस में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश पॉइंट जो है वो सेम रहते हैं, तो दोनों कार जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। एक कार ए है और दूसरा कार बी है, दोनों रेस से चलते हैं, तो इनका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है। इसका एक्सेलरेशन दिया गया है ए वन और इसका एक्सेलरेशन दिया गया है ए टू, है ना। जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंट बताया गया। अब ये कहा गया कि जो कार ए है वो टी समय कम लेता है बी से। अगर मैं ये मान लूं कि जो कार बी है वहां पर पहुंचता है किसी टाइम टी नॉट पर, है ना, या इसको जो है हम लोग लेते हैं टाइम टी नॉट, टी नॉट पर सपोज कार ए पहुंचा है, है ना, तो कार बी जो है टी नॉट प्लस टी टाइम लिया होगा। कार बी कब पहुंचा होगा, टी नॉट प्लस टी। कार ए से कार बी टी समय ज्यादा लेता है, या यूं कहें कार बी से कार ए टी समय कम लेता है, एक ही बात है। ठीक, अच्छा, जब यहां पहुंचते हैं तो कार ए का स्पीड यहां पर मान लेते हैं कि वी ए है, कार बी जब यहां पहुंचता है तो उसका स्पीड वी वी है। ये जो वी वी है, है ना, कार बी का स्पीड वी वी है और कार ए का स्पीड वी है, तो वी ए जो है वो कार बी के स्पीड से वी ज्यादा है, मतलब वी वी प्लस वी इतना दिया गया है। कार ए का स्पीड ज्यादा है, कार ए जो है उसका स्पीड भी वहां पर ज्यादा है और समय भी वो कम ले रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा होगा ए टू से। ए वन जो है वो ज्यादा है ए टू से। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन जो होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन जो है कॉन्स्टेंट है। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, तो यू तो जीरो है तो हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर, और इसके लिए बी के लिए, बी के लिए भी डिस्टेंस वही है इसलिए मैं इक्वल कर रहा हूं, इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो हाफ एक्सेलरेशन ए टू और टाइम हो गया टी नॉट प्लस टी का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन जो है अपना यहां से आ गया। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें वेलोसिटी की, जो वी बी है, वी बी को क्या लिखा जा सकता है, वी बी को लिखा जा सकता है इनिशियल वेलोसिटी है जीरो प्लस एक्सेलरेशन है ए टू और टाइम है टी नॉट प्लस टी, है ना, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। और कार ए के लिए लिखेंगे, उसका स्पीड है फाइनली वी ए जो कि वी बी प्लस वी ए, है ना, ये आया, इसको लिखा जा सकता है इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस उसका एक्सेलरेशन ए वन और टाइम जो है उसका टी नॉट, है ना। तो ये हो गया वी बी प्लस वी इज इक्वल टू ए वन इंटू टी नॉट, ये आया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कि अपने पास अननोन जो है वो तीन है, कौन कौन, एक तो अननोन है टी नॉट, दूसरा अननोन है वी बी और तीसरा अननोन है वी, है ना। आप देखेंगे कि यहां पर जो इक्वेशन हमने लिखा है इसमें वी ए नहीं है, वी ए को हमने वी वी प्लस वी लिखा है, तो इस इक्वेशन में वी वी है, इसमें वी वी है। ठीक, तो ये जो तीन इक्वेशन है इनमें वी ए नहीं आता, तो वी ए हमारे लिए अननोन नहीं है, वी ए को हमने इलिमिनेट कर दिया है वी वी और वी के टर्म में, तो अपने पास तीन इक्वेशन हो गए 1 2 3 और तीन अननोन भी है।
तो इन तीनों को हम लोग सोल्व करेंगे. सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आ जाएगा. तो यहाँ से आप जब निकालेंगे तो यहाँ से v का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट ए वन इंटू ए टू इंटू टी. यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है.